Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays, I am discussing higher education with all of you. So this time, I am going to discuss role of AICTE in technical education. AICTE means All India Council for Technical Education. And the lecture will be useful for your general knowledge upgradation, your competitive teaching examinations, and for your general BA, BEd, and MA, MEd courses. Okay? About, मतलब AICTE के बारे में. तो AICTE का जो सेटअप है वो हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले ही हो गया था. In 1945, soon after the Second World War, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, the Reconstruction Committee of the Viceroy's Executive Council asked the Central Advisory Board of Education, जिसको कि केब के नाम से जानते हैं, Central Advisory Board of Education, to give its suggestions about the post-war educational system in India. देखिए, विश्व युद्ध बहुत बड़ी बात होती है. विश्व युद्ध खत्म होने से बहुत सारे, मतलब जब चल रहा था, चलने के बाद खत्म हुआ होगा, तो बहुत सारी मतलब दिक्कतें, फाइनेंशियल क्राइसिस और बहुत कुछ, सोशल स्ट्रक्चर सब चेंज होता है युद्ध में, बहुत क्षति होती है. तो जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से पूछा और उसको सजेशन दिया कि आप कुछ सेटअप अपना बनाइए, कुछ रिकंस्ट्रक्शन करिए, जिससे कि पोस्ट वॉर एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया बन सके, ठीक ठाक हो सके, सुधर सके. तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ केब, यानी कि केब का एक महत्वपूर्ण संस्तुति थी, वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. तो केब ने ये सजेस्ट किया कि एक AICTE बना लेते हैं एज द एपेक्स बॉडी फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री, ताकि कि देश में तकनीकी शिक्षा के त्वरित विकास में सहायता मिल सके. Accordingly, the government of India passed a resolution dated 30th November 1945 setting up the AICTE as the national agency for planned and coordinated growth of technical education in India. उसके बाद government of India ने 30 नवंबर 1945 को पास किया और AICTE देश में एक सुनियोजित और समन्वयित टेक्निकल एजुकेशन के विकास के लिए एक नेशनल एजेंसी बन गई. तो AICTE गठित कब हुई है? 1945 में. किसके रिकमेंडेशन से? केब. केब क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सॉरी. फिर the AICTE was constituted in 1945 as an advisory body in all matters relating to technical education. तब से 1945 से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ये एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में अपनी भूमिका निभाती रही. Then NPE 1986, जब 1986 की राष्ट्रीय नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो उसने कहा कि AICTE को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया जाए, मतलब उसको वैधानिक मान्यता दे दी जाए. आपने देखा होगा कि बहुत कुछ 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद चेंज हुआ है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, कुछ ऐसी बॉडीज जो स्टैट्यूटरी नहीं थी वो स्टैट्यूटरी कर दी गई, बहुत कुछ हुआ. इवन अर्लियर, यानी कि एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964, यानी कि जिसको कि आप कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन, आफ्टर द नेम ऑफ इट्स चेयरमैन, मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. यानी कि 1945 में बनी, 1945 से ये 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसने कहा कि इसको स्टैट्यूटरी बना दे. उसके पहले कोठारी कमीशन ने भी कहा था, क्या कहा था? टू इंश्योर द परस्यूट ऑफ हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स एट द फर्स्ट डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स एंड टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट मशीन with the national and professional concern with the future development at these levels, we have recommended the setting up of a UGC type organization, industry and concern ministries. यानी कि कोठारी कमीशन ने 1964 में ही कह दिया था कि अगर आपको यूजी पे, पीजी पे टेक्निकल एजुकेशन को ठीक ठाक करना है, प्रॉपर उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सब करना है, तो आप एक यूजीसी की तरीके की संस्था उसके लिए भी बना दीजिए. ये पहले से ही रही होगी, तो 1986 में इसको स्टैट्यूटरी कर दिया गया, मतलब 1986 की रिकमेंडेशन आई. देन इन व्यू ऑफ द अबव AICTE बिकम स्टैट्यूटरी बॉडी थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1987. यानी कि जस्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आती है और 1987 में इसको वैधानिक मान्यता मिल जाती है. द काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड विद अ व्यू टू द प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री. मतलब पूरा तकनीकी शिक्षा इसके ऊपर है. The promotion of qualitative improvement of such education in relation to planned quantitative growth and the regulation and proper maintenance of norms and standards in the technical education system. यानी quantitatively बढ़ना, यानी संख्या में बढ़ना, qualitatively बढ़ना, यानी कि आप उसको बढ़िया गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण बना रहे हैं, और उसके norms क्या होंगे, standards क्या होंगे, सबका मानक निर्धारण करना AICTE का ही काम है. तो इसमें तीन बातें, तीन सन महत्वपूर्ण हैं.
1945 में बनती है, 1964 में भी एक रिकमेंडेशन मिलती है, फिर 1986 की रिकमेंडेशन के बाद 1987 में ये फुल फ्लेज स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम करने लगती है. देन फंक्शंस क्या है, इसके कार्य क्या है. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द काउंसिल टू टेक ऑल सच स्टेप्स एज इट मे थिंक फिट फॉर इंश्योरिंग कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन. देखिए टेक्निकल एजुकेशन में कहीं आएगा आगे, आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट एजुकेशन भी आता है, आपका फार्मेसी भी आता है, ये सारी चीजें भी आती है, आर्किटेक्चर भी आता है. तो आप ये मत समझिएगा कि टेक्निकल एजुकेशन का मतलब सिर्फ बीटेक एमटेक है. तो ये इट शैल बी, क्योंकि फंक्शंस निर्धारित किए गए ना, तो इसके कार्य निर्धारित किए गए कि ये करेगा, क्या करेगा, वो सारे काम करेगा, वो सारे स्टेप्स फॉलो करेगा जो उसको लगता है कि टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन के कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. ये क्या करेगा, एलोकेट एंड डिसबर्स आउट ऑफ द फंड ऑफ द काउंसिल, फंड देगा. और क्या करेगा, प्रमोट इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एस्टैब्लिश्ड एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, जनरेशन एडॉप्शन एंड एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज टू मीट डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स. यानी कि विकास हो रहा है नित नया, उसकी रिक्वायरमेंट से मेल खाता हुआ जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे अडॉप्ट करना है, उसके लिए कैसे एडेप्टेशन हमको चाहिए, कौन से नवाचार हैं, कौन सा अनुसंधान है, क्या विकास, सब कुछ इसको प्रमोट करना AICTE का काम है. और क्या काम है इसका, फॉर्मुलेट स्कीम्स फॉर प्रमोटिंग टेक्निकल एजुकेशन फॉर विमेन हैंडीकैप्ड एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ये जरूर इसका काम तब ऐड किया गया होगा जब इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आया, कि हमको सबको इंक्लूड करके चलना है, या ये कहीं निकल के आया होगा कि विमेन हैंडीकैप्ड और वीकर सेक्शंस बहुत कम उनका रिफ्लेक्शन है टेक्निकल एजुकेशन में. उसने कहा कि इस तरीके की स्कीम बनाई जाए ताकि टेक्निकल एजुकेशन में भी और गर्ल्स फीमेल्स विमेन और हैंडीकैप्डनेस किसी के पास कोई है तो, और जो समाज का कमजोर तबका है उसका भी रिफ्लेक्शन, उसका भी पार्टिसिपेशन बढ़े. फिर प्रमोट एन इफेक्टिव लिंक बिटवीन टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम एंड अदर रेलेवेंट सिस्टम्स इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्री एंड द कम्युनिटी. यानी कि और जो चल रहे हैं एजुकेशनल सिस्टम्स उनके संग उसका एक इफेक्टिव लिंक बना दिया जाए, किसका, टेक्निकल एजुकेशन का. ठीक है, फिर और क्या, ये हो गया. फिर इवॉल्व सूटेबल परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज इम्पार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन. यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि जो टेक्निकल एजुकेशन चल रहा है वो कैसा काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है कि नहीं, उसके लिए एक परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम बनाना. फिर फॉर्म्यूलेट स्कीम्स फॉर द इनिशियल एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एंड इन आइडेंटिटी इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स एंड सेटअप न्यू सेंटर्स फॉर ऑफरिंग स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम इंक्लूडिंग कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ टीचर्स. देखिए जैसे कि आपका जनरल और प्रोफेशनल एजुकेशन में UGC HRDC का काम है कि टीचर्स की ट्रेनिंग, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनका कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट, ये AICTE करता है टेक्निकल एजुकेशन के टीचर्स के लिए. और क्या करना, ले डाउन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर कोर्सेज, जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके मानक क्या होंगे, उनके नॉर्म्स क्या होंगे, उनका करिकुलम क्या होगा, जो यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनका फिजिकल और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी वहां क्या दी जाएगी, स्टाफ का क्या पैटर्न होगा, जो स्टाफ वहां रिक्रूट होगा उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, असेसमेंट एग्जामिनेशन, एवरीथिंग, सब कुछ AICTE के पास उसका काम है टेक्निकल एजुकेशन के लिए ये सब निर्धारण करना. और ग्रांट अप्रूवल, यानी कि अगर किसी को टेक्निकल इंस्टीट्यूट को टेक्निकल कोर्सेज स्टार्ट करने हैं अपने यहाँ तो उसको AICTE से मतलब अप्रूवल लेना पड़ता है. तो ये AICTE का काम है कि ग्रांट को अप्रूव करना एंड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर्सेज और प्रोग्राम्स और ले डाउन नॉर्म्स फॉर ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन. आपको पता होगा कि हायर एजुकेशन में बहुत बात हो रही है कि ऑटोनॉमी मिल जाए, ऑटोनॉमस हो जाए. तो ऑटोनॉमस होने का लाभ क्या है कि हम थोड़ा सा रिजिडिटी से मुक्त होते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो पाते हैं, थोड़ा हम इनोवेशन कर पाते हैं, उसकी हमें थोड़ी स्वतंत्रता मिल जाती है. तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूशंस सीख करते हैं इनसे परमिशन कि हम ऑटोनॉमस बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी नॉर्म्स निर्धारित करना. यानी सब कुछ जो आप सोच सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन पे वो काम AICTE के पास है. और प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज इम्पार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन. टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी जो टेक्निकल एजुकेशन दे रही है उसमें गाइडलाइन निर्धारित करना कि बच्चों का एडमिशन के क्राइटेरिया क्या होगा. विदहोल्ड और डिसकंटिन्यू ग्रांट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्सेज प्रोग्राम्स टू सच टेक्निकल एजुकेशन विच फेल टू कम्प्लाई विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द काउंसिल विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन है उसको आपने किसी काम के लिए ग्रांट दी है लेकिन आपको लगता है कि वो उसका मिसयूज कर रहे हैं या ड्यू टाइम में उसको कंप्लीट नहीं कर पाए तो हम रोक सकते हैं या डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं ग्रांट्स को. कौन, मतलब AICTE.
और क्या करना, टेक स्टेप्स टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड टू सेटअप न्यू ऑर्गेनाइजेशंस टू इंश्योर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द काउंसिल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टू क्रिएट पोजीशंस ऑफ प्रोफेशनल टेक्निकल एंड सपोर्टिंग स्टाफ. एवरीथिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उनकी स्ट्रेंथन करना, उनको और शक्ति प्रदान करना, उनको और पावर देना, और सेटअप ए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन. देखिए जैसे कि जनरल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी ग्रेडिंग, उनकी एक्रेडिटेशन NAC करता है, उसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन का जो एक्रेडिटेशन है वो NBA करता है, यही है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन. टू पीरियोडिकली कंडक्ट इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड बाय इट. तो ये अंतर चल रहा है जनरल और टेक्निकल एजुकेशन में. ठीक है, पर्स्यूट ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि मेन काम इसका क्या है कि एक्सीलेंट क्वालिटी वाले हम टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बना सकें. वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ AICTE ओवर द नेक्स्ट डिकेड वुड बी टू इनेबल सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ द टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इन अवर कंट्री. यानी कि हमारे देश में जो तकनीकी शिक्षा के केंद्र हैं, जो तकनीकी संस्थान हैं, वो एकदम बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी अगले दशक में, क्योंकि इन्होंने मान के चले ना, विजन है अगले एक दशक में, पुराना है होगा स्टेटमेंट निश्चित रूप से, वो कर पाए. फिर द कंट्री कंसिडर्स ऑटोनॉमी, सॉरी कंट्री नहीं काउंसिल होना चाहिए था, द काउंसिल कंसिडर्स ऑटोनॉमी इज द फर्स्ट प्री रिक्विजिट. यानी कि सबसे पहली प्राथमिक दशा, जो पूर्व दशा निर्धारित है जो कि एक्सीलेंस के लिए होनी चाहिए, वो ऑटोनॉमी है. आप स्वायत्त जब तक नहीं होंगे तब तक आप कुछ बढ़िया काम नहीं कर सकते, मतलब बहुत बढ़िया नहीं कर सकते, बढ़िया तो कर सकते. हाउएवर मियर ऑटोनॉमी इज नॉट एनफ, और सिर्फ स्वायत्तता भी नहीं जरूरी है. What is needed is that these autonomous institutions pursue excellence in every aspect of their functioning. क्या जरूरी है कि अगर संस्थान स्वायत्त बन भी जाते हैं तो वो अपने हर काम में एकदम एक्सीलेंस, सर्वोत्कृष्ट तरीके का काम अपनी हर फंक्शनिंग में करेंगे, तो अपने आप वो सर्वोत्कृष्ट रिजल्ट आउटकम भी देंगे. और क्वालिटी एश्योरेंस, the approach of the committee's recommendations to have light touch regulations for technical education institutes. वो कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा उन पे कंट्रोल मत रखिए. जब बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा जाता है, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं हम नियम कानून में, तो चीजें अच्छी से नहीं निकल के आती. मेरा थोड़ा सा अवॉइडिंग फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर एप्लीकेशन एंड अप्रूवल्स, वो कह रहे हैं कि रोकिए, इतना जल्दी जल्दी उनको विजिट मत करिए, इतना रेगुलर इंटरवल पे मत कीजिए, उनको छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से काम करने दीजिए, तो वो अच्छा काम करेंगे. द कमिटी कंसिडर्स एक्रेडिटेशन एंड ग्रेडिंग एज द चीफ व्हीकल्स ऑफ एस्टिमेटिंग क्वालिटी ऑफ ए टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. देखिए मैंने आपसे NAC डिस्कस कर लिया है, तो आप एक्रेडिटेशन को बेहतर समझ सकते हैं. Accreditation will be carried out by the similarly autonomous National Board of Accreditation. देखिए बार बार आ रहा है इसको, बस ब्रैकेट में NBA करके नहीं लिखा है मैंने. Which shall act as the umbrella organization to impanel the accreditation agencies. मतलब अम्ब्रेला टर्म है NBA, उसके नीचे बहुत सारा कुछ और एजेंसीज आती हैं जो accreditation कर सकती हैं. Quality of an institute is dependent considerably on the quality of teachers. वो कह रहे हैं कि आपका इंस्टीट्यूट जितने बढ़िया शिक्षक होंगे उतना बढ़िया संस्थान होगा, संस्था होगी. एज इंडियन हायर टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव एक्सपेंडेड रैपिडली, वन ऑफ द प्राइमरी कैजुअलिटीज हैज बीन क्वालिटी ऑफ टीचर्स. वो कह रहे हैं इतनी तेजी से संस्थान बढ़ रहे हैं, रोज एक नित नया टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल रहा है, तो जरूरी है, मतलब निश्चित रूप से क्वालिटी टीचर्स की कमी है, उसको फुलफिल करना है. लीवरेजिंग ICT फॉर क्वालिटी एनहेंसमेंट, अब तो ICT का युग है, तो वो कह रहे हैं कि ICT का उपयोग करके हम क्वालिटी बढ़ा सकते हैं. एन इक्वली इंपॉर्टेंट एफर्ट ऑफ AICTE वुड बी टू बी एन इनेबलर टू प्रोवाइड सम हाई क्वालिटी क्लासेस एंड इंटरेक्टिव टीचिंग मटीरियल डायरेक्ट टू स्टूडेंट्स. देखिए D2S डायरेक्ट टू स्टूडेंट्स, यानी कि जो बढ़िया IITs हैं, IIMs हैं, जहाँ पे हर बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है, वहाँ के लेक्चर, वहाँ की फैकल्टी से इंटरेक्शन हम आपको ICT की मदद से करा सकते हैं. तो MHRD ने बहुत से ऐसे कोर्सेज चलाए हैं, MOOCs चलाए हैं, कोर्स पैक चलाया है. देयर आर अदर इनिशिएटिव्स लाइक स्पोकन ट्यूटोरियल, देखिए ये IIT चलाता है, एंड टॉक टू ए टीचर विच हैज गिवन सम पॉजिटिव रिजल्ट्स इन इंडिया. NPTEL, देखिए NPTEL का नाम शायद आपने बहुत सुना हो, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग हैज क्रिएटेड ए लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग वीडियोस थ्रू IIT फैकल्टी. मतलब हम मान के चलते हैं और होता भी है कि IITs में बेस्ट फैकल्टी है जो वहां पढ़ा रही है, तो उनसे वीडियोस बनवा लीजिए और आप उनको, मतलब वो इजिली एक्सेसिबल हों और कोई भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट उसको पढ़ सके, सुन सके, जान सके, उस तक उसकी पहुंच हो. एंड हैव बीन मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट्स को अवेलेबल करा दीजिए. वर्चुअल लैब्स बहुत होती है बात, और खासतौर से कोविड में, कि थ्योरी तो पढ़ा देते हैं पर प्रैक्टिकल कैसे पढ़ाएं, तो वर्चुअल लैब्स का कंसेप्ट आ गया, अब तो बहुत पॉपुलर है. आर एन अपकमिंग टेक्नोलॉजिकल कॉम्पोनेंट दैट लुक्स टू प्रोवाइड वर्चुअल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. यानी कि हम कर रहे हैं आभासी, मतलब एक्चुअल नहीं है, वर्चुअल है, बट फिर भी है, तो कम से कम
depends on experience to students on experiments undertaken remotely at a premier institute. मतलब किसी और institute में हो रहा है, आप उसका virtual hands-on experience कर सकते हैं virtual labs के through. तो इस तरह से ICT की मदद से आप quality बढ़ा सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? Strengthening faculty. No doubt कि आपको faculty को strengthen करना होगा अगर आप outcome बढ़िया चाहते हैं तो. Technical institutions cannot provide quality education unless they have faculty who are motivated as well as desirably skilled. यानी कि जब तक वो फैकल्टी जो अपने अंदर जिसको मोटिवेशन नहीं है पढ़ाने के लिए, जो स्किल्ड नहीं है, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकती. देयरफॉर फर्स्टली इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी एबल टू अट्रैक्ट एंड हायर हाई क्वालिटी फैकल्टी. देखिए जो टेक्निकल बहुत बढ़िया होता है वो अक्सर किसी विदेशी फंड मतलब कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, बाहर चला जाता है, जिसको नहीं कहते हैं ब्रेन ड्रेन. तो वो कह रहे हैं कि जो बहुत बढ़िया फैकल्टी है उसको रोकिए अपने पास, अपनी जगह. Able to attract and hire. आप उनको आकर्षित कीजिए और उनको हायर करिए ताकि वो पढ़ाएं आपके यहाँ. Second, senior or existing faculty should also be motivated towards excellence in teaching, technology development and research to help institutions deliver quality education. और जो senior है, जो पहले से वहाँ पढ़ा रहा है, उसको आप motivate कीजिए कि वो और बढ़िया बढ़िया से बढ़िया करे. And along with recruitment of quality faculty, it is equally important to ensure continuous upgradation and enrichment of existing faculty, जो कि HRDC करता है ना, कि आप recruit हो गए हैं लेकिन हम इतना workload होता है, नहीं हम अपने आप को professionally upgrade कर पाते, तो आप planned इस तरीके के कार्यक्रम चलाइए ताकि थोड़े थोड़े समय के लिए आप teaching से break लेके इन सब courses में involve हों और फिर और enrich होके rejuvenate होके फिर से जाएं अपनी classes में, है ना. Not only with respect to subject matter, but also for new and advanced pedagogical techniques for improved quality interaction with students. जरूरी नहीं है कि हमको अपने subject matter में ही और upgrade होना है, update होना है. क्या नया नया pedagogical technique आ गई है, कैसे हम बच्चों से quality interaction कर सकते हैं, सब कुछ. और industry academia interaction. देखिए जो technical institution से निकलकर बच्चा जाएगा वो industry में जाएगा, तो industry और academia का interaction, इनकी matching बहुत जरूरी है. बार बार ये बात निकल के आती है कि जो industry की want है, जो उनको चाहिए, वो academia से produce होना चाहिए, तभी हम बेरोजगारी को कम कर पाएंगे, तभी हमारा जो product होगा, जो हमारा student होगा, वो industry में absorb किया जा सकेगा. One of the principal roles of technical institutes is to provide well-trained and educated students to industry. कोई दो राय नहीं है इसमें. इट इज देयरफॉर इंपरेटिव दैट ऑल इंस्टीट्यूट्स मस्ट इन्वॉल्व इंडस्ट्री कंसिडरेबली इन गाइडिंग देम. तो वो अपने बोर्ड ऑफ फैकल्टी, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में, वो अपने कोई ऐसी मतलब विजिटिंग फैकल्टी में कोई इंडस्ट्री का बढ़िया आदमी रख सकते हैं जो उनको गाइड करे कि एक्चुअली क्या डिमांड है, क्या चाहिए वर्क प्लेस पे. इन्वॉल्वमेंट कुड बी बाई प्लेसिंग केपेबल इंडस्ट्री पर्सनल एट द लेवल्स ऑफ गवर्निंग बोर्ड. आप गवर्निंग बोर्ड में रख लीजिए इंडस्ट्री का आदमी, करिकुलम कमेटी में रख लीजिए जो बताए कि क्या पढ़ाना है, एंड ऑल्सो इन एडवाइज या गवर्निंग काउंसिल्स ऑफ इंस्टीट्यूट इंक्यूबेटर्स, जो हमको एक्चुअल चीज बता पाए, जो हमको रियलिटी टच करा पाए कि ये चाहिए हमको अपने जिसको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो वही चीज हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं, उसी तरीके की स्किल उनके अंदर डेवलप करें, तो निश्चित रूप से वो उनको मतलब जैसे ही वो निकलेंगे बाहर उनको काम मिल जाएगा. तो ये रहा AICTE. यानी कि अब लेकिन फिर हम ये बात कहेंगे कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसने कहा है कि AICTE, NCTE, UGC हम सबको डिसॉल्व कर देंगे और एक HECI बनाएंगे. तो वो बात जब एक्चुअली हो जाएगी तब तक, उसके पहले तक हमको AICTE की ही बात करनी है, क्योंकि अभी भी टेक्निकल एजुकेशन को AICTE ही देख रहा है. बना कब से है, 1945 से ही बन गया था, और 1986 के बाद 1986 की रिकमेंडेशन के बाद 1987 में इसको वैधानिक मान्यता मिल गई, और टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हर काम इसको देखना है. और जो इसके खास काम है वो है कि परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, हम एक्सीलेंट काम हमारा टेक्निकल एजुकेशन करे, जो क्वालिटी इन्हेंसमेंट हो, जो फैकल्टी स्ट्रेंथन हो, और ICT की मदद से हम काम करें और बढ़िया कर सकते हैं, और जो इंडस्ट्री है उससे हमारा कोई ना कोई लिंकेज जरूर होना चाहिए, हमारा मतलब टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस का. और ये बताएगा कौन, गाइडलाइन कौन देगा, AICTE देगा. तो इस तरह से टेक्निकल एजुकेशन के प्रमोशन में, अपग्रेडेशन में AICTE की भूमिका है. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव कंप्लीटेड द रोल ऑफ AICTE इन टेक्निकल एजुकेशन 2. ओके.